मिस्त्री साहब आज की तारीख में प्लस्तर हो जाएगा या नहीं? तो यार कैसे मिस्त्री हो गए भाई, साली हो गई है, घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे भाई एक कॉल करा दो यार। अबे यार आदमी तो अपने मोहल्ले का लग नहीं रहा, कहीं मेरा फोन लेके भाग गया तो? नहीं भाई मेरे पास फोन नहीं है यार। अरे भाई मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया यार, बहुत अर्जेंट बात करनी है, प्लीज सिर्फ दो मिनट के लिए। नहीं भाई मेरे पास फोन नहीं है यार। अरे भाई मुझे ऐसे वैसे मत समझो यार, मेरी बाइक भी यहीं पे है, बस सिर्फ दो मिनट के लिए बात करनी है मुझे। यार परेशान भी लग रहा है, मजबूर भी लग रहा है, चलो दे ही देता हूँ। ठीक है भाई ये लो। शुक्रिया भाई, जल्दी करना। वैसे भाई आपका नाम क्या है? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही शायद। हेलो मैं कमरुद्दीन बोल रहा हूँ, तुम्हारा लड़का हमारे कब्जे में, अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो 5 लाख रुपए लेकर के जंगल वाली गली में आ जाओ, और अगर पुलिस वाले से बात करने की कोशिश करी तो उसकी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देंगे। समझ गए ना? लो भाई बड़ा टाइम लगा दिया यार। अरे भाई किसी बीमार से बात कर रहा था ना, इसलिए टाइम लग गया। जाओ। शुक्रिया भाई कमरुद्दीन। आओ साहब आओ, यही वाला पता साहब जी। कमरुद्दीन यही रह रहे? जी सर। यही रह रहे तेरी? हाँ भाई तू ही कमरुद्दीन है? जी साहब मैं ही हूँ। साले किडनैपिंग करता है, किडनैपिंग करता है। अरे साहब क्या बात है, बिना वजह मारे जा रहे हो ये तो बताओ। वजह वजह पूछ रहा है, किडनैपिंग करके है, वजह पूछ रहा है। इसके भाई को किडनैप करके 5 लाख रुपए मांगता और ऊपर से कहता पुलिस वाले को नहीं बताना। अरे सर आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने किसी का किडनैप नहीं करा। हैं तेज चल रहा है। अरे साहब आपको कोई गलत फहमी हुई, मैंने किसी का किडनैप नहीं करा, मैं तो इतना सीधा आदमी हूँ, टट्टी करके हाथ भी धोने होते, मुझे नहीं पता। साले यकीन नहीं आ रहा ना तुझे, अभी बताता हूँ, नंबर दिखा। ये नंबर किसका है? हाँ साहब नंबर तो मेरा ही है। ये नंबर तेरा ही है ना? अब ये सुन, अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो। अब कह दे ये भी कोई और है? साहब सच में ये मैं नहीं हूँ। साले झूठ बोल रहा है, बता इसका भाई कहाँ है? साहब मैं आपको सब सच सच बता रहा हूँ साहब, कल मैं अपने घर के बाहर काम कर रहा था, एक बंदा आया था, वो बोल रहा है भाई मुझे कॉल करा दो, मैंने तो मजबूरी में उसे कॉल करा दी अपना भाई समझ के, मुझे क्या पता था मेरे साथ ये सीन हो जाएगा। अच्छे जी हमें कहानी सुना रहा है, हर अपराधी अपराध करके यही कहता है कि उसने अपराध नहीं किया। साहब मैं सच कह रहा हूँ। साले बता कहाँ है वो? ओए तू अंदर जाकर चेक कर, देख वहाँ कोई छुपा रखा होगा। साहब मुझे सच में नहीं पता, मुझे जाने दो। देख मैं जान गया हूँ कि तूने किडनैपिंग नहीं किया, लेकिन उसने केस कर रखा है तो मजबूरन मुझे तुझ पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो अगर तू इस केस से बचना चाहता है तो बाकी तू समझदार है, देख ले। साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं देने के लिए। देख ले तेरी मर्जी है, वरना वो तुझे उम्र कैद भी करा सकता है। नहीं नहीं साहब मैं लाता हूँ, रुक जाओ। चल ठीक है जल्दी देख। साहब ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे पास यही है जमा पूंजी, मेरी जान छोड़ दो रही है, ले लो तुम। बस इतने सही है? यही है साहब। चल ठीक है चल, आज तो जान बच गई। अरे साहब इसे चले चलो साहब। अरे भाई साहब इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, अब चलो। अरे साहब लेकिन लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। कितने? 1 लाख रुपए। दे भाई पकड़। बस 500। तू बहुत ओवर एक्टिंग करता है, इसलिए 500 मिलेंगे तुझे। ये पकड़ अपने।